27 साल के रिकॉर्ड के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में काबिज हो गई है। साथ ही बिहार के कूडनी विधानसभा क्षेत्र में जीत के बाद बिहार बीजेपी जीत के जश्न में सराबोर हो गई है। मोतिहारी में भी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे व बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने पार्टी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर जीत का जश्न मनाया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और फिर जमकर आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि महागठबंधन को कूडनी की जनता ने नकार दिया है, ऐसे में नीतीश कुमार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए कहा गया कि तेजस्वी इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा था, पापा जब ऑपरेशन से होश में आएंगे तो पूछेंगे कि कूडनी का क्या हुआ, पर तेजस्वी के इमोशनल कार्ड भी फेल हो गया और वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए उन्हें जिताया है। क्या कहा प्रमोद कुमार ने, आप स्वयं जरा सुनिए। भारत के राजनीति में और बिहार के राजनीति में आज बहुत ही खुशी का माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः जो पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और गुजरात में पुनः स्थापित हुआ है और हिमाचल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, परंतु थोड़े मोड़ी कठिनाई के कारण, कमी के कारण हम लोग उस मुकाबला में नेक टू नेक फाइट पर आ गए। सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है बिहार के जो पलटू कुमार जी हैं, जो पलटू कुमार जी कहते थे मैं महागठबंधन में अपने वोट की ध्रुवीकरण कर देंगे और उनके एक सहयोगी कहते थे कि पापा पूछेंगे तो कुड़नी में क्या होगा, ये चुनाव को एक भावना से जोड़ रहे थे, पारिवारिक भावना से, और उस भावना से जोड़े लेकिन जनता को, कुड़नी की जनता को बधाई देंगे कि उन्होंने सारी भेदभाव को भुलाकर और भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर बिहार में यह बात स्थापित कर दिया कि जो पलटू कुमार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, इनका महागठबंधन जो है वह चलने वाला नहीं है, महागठबंधन के वोट की ध्रुवीकरण नहीं होने वाली है और आपस में मतभेद है, आपस में मनभेद है और इसलिए श्रीमान नीतीश कुमार जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।